नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं एक वीर योद्धा के बारे में। जी हाँ, भैरों सिंह राठौड़ जो कि लोंगेवाला की लड़ाई में योद्धा थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बीएसएफ के दिग्गज भैरों सिंह राठौड़, जिनके राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर बहादुरी को अभिनेता सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में चित्रित किया था। वहीं आपको बता दें, इनका सोमवार को जोधपुर में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे और बहादुर ने आज एम्स जोधपुर में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि भैरों सिंह राठौड़ के पार्थिव शरीर को जोधपुर में बल के एक प्रशिक्षण केंद्र में लाया जा रहा है, जहां पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद उनके गाँव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के सदस्यों का कहना है कि युवा सेना के उम्मीदवारों के साथ बातचीत के दौरान वह अक्सर 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई का एक किस्सा याद करते रहते थे और इस लड़ाई में राठौड़ की वीरता सैन्य लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है। 6 महीने पहले भी वृद्ध बीएसएफ के दिग्गज भैरों सिंह राठौड़ रोजाना सुबह 5 बजे से पहले उठते थे, योग की अपनी दिनचर्या पूरी करते थे और जोधपुर जिले के सोलंकिया ताला के अपने गांव में मैदान में जाते थे, जहां युवा भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण लिया करते थे। हालांकि अब सभी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है और कई नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज में।